प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म लूडो की और फिल्म गुलाबो सिताबो की, साथ ही साथ इस बार बाप बेटे में से कौन जीतेगा नए प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में बात करेंगे। क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म अभिषेक बच्चन के लिए जादू की छड़ी की तरह है? वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों आज से बॉलीग्रैड स्टूडियोज और द फिल्मी उल्लू चैनल, जो कि मेरा खुद का चैनल है, दोनों मिलकर साथ काम करेंगे, मतलब कि आपको डबल एंटरटेन करेंगे। दोस्तों पहले हम बात करते हैं फिल्म लूडो की। तो लूडो फिल्म, जो कि 2020 में रिलीज होने वाली हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है, ये एक एंथोलॉजी कॉमेडी फिल्म है। एंथोलॉजी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज इन अ सेम चैप्टर। जैसे कि किसी एक्टर की स्टोरी चल रही है, ठीक उसके नेक्स्ट सीन में किसी और एक्टर की और उसके नेक्स्ट में किसी और की। एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ फिल्में देख लें तो जैसे 10, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, उस मूवी में 10 अलग अलग कहानियाँ चलती हैं। लाइफ इन अ मेट्रो, जो रिलीज हुई थी 2007 में, इस मूवी में 7 अलग अलग लोगों की कहानियाँ दिखाई जाती है। वैसे तो रिपोर्ट्स की माने तो खबर आ रही कि ये फिल्म लूडो लाइफ इन अ मेट्रो की सीक्वल है, जहां हमें अलग अलग लोगों की कहानियां दिखाई जाएंगी। फिल्म में कास्ट में अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव, आदित्य रॉय कपूर, फातिमा सना शेख, सनाया मल्होत्रा और पंकज त्रिपाठी। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अनुराग बसु, जो कि जाने जाते हैं अपनी अलग दुनिया वाली फिल्मों के लिए, जैसे कि जग्गा जासूस, बर्फी, गैंगस्टर, मर्डर, साया और भी बहुत। दोस्तों फिल्म का पोस्टर सामने आ गया है और पोस्टर देखें तो लगता है कि ये फिल्म 4 लोगों की जिंदगी के बारे में बताती है। पहला है अभिषेक बच्चन, जो कि पुअर फैमिली से है और उनके साथ एक बच्चा भी है। दूसरा राजकुमार राव, जो कि अपना ही एक किरदार निभा रहे हैं, एक भांड का, जो गांव में आप लोगों ने देखा होगा किसी भी फंक्शन में पहुंच जाते हैं नाचने और गाने। तीसरे नंबर पे हैं आदित्य रॉय कपूर, जो कि रिच फैमिली से हैं और उनकी गर्लफ्रेंड है सानिया मल्होत्रा। नंबर 4 फातिमा और रोहित। दोस्तों पंकज त्रिपाठी के रोल के बारे में अभी कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो उनका बहुत ही छोटा सा रोल है लेकिन काफी मजेदार है। अभिषेक बच्चन, जिनकी लास्ट फिल्म थी मन मर्जिया, जो कि धड़कन फिल्म का कॉन्सेप्ट और उसको नए मॉडर्न तरीके से दिखाया गया था, वहीं अभिषेक बच्चन आजकल लाइमलाइट में है फिल्म बिग बुल की वजह से, और साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उनकी फिल्म आ रही है, उनकी सीरीज आ रही है, जिसका नाम है ब्रीड 2। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। राजकुमार राव, जिनकी लास्ट फिल्म थी शिमला मिर्च, फिल्म में लीड में थे राजकुमार राव, हेमा मालिनी और राकुल प्रीत, ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। आदित्य रॉय कपूर, इनकी लास्ट फिल्म थी मलंग, अब इस फिल्म के बारे में क्या ही कहूँ। कोई शक नहीं कि अपने लीग से हट के आदित्य रॉय कपूर ने कुछ नया ट्राई किया, लाइक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, एक्शन, डायलॉग, सब कुछ, लेकिन मुझे पर्सनली ये फिल्म किसी भी लेवल पे अच्छी नहीं लगी। इसमें अनिल कपूर साहब ने भी जमकर ओवर एक्टिंग की है, बात बात पे हंसना कानों में दर्द दे जाता है, और उनकी जो आदित्य ने हंसी कॉपी की है फिल्म के एंड में, वो तो कानों में से खून निकालने वाली बात हो जाती है। बात करें फातिमा सना शेख और सनाया की, तो फातिमा की लास्ट फिल्म थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, वहीं सनाया की थी फोटोग्राफर, जिसमें थे नवाज। दोस्तों ये फातिमा सना शेख किसी पॉलिटिशियन की तरह लगती हैं, नाम याद आ जाए तो कमेंट कर देना। पंकज त्रिपाठी, इनकी लास्ट फिल्म थी एक्सट्रैक्शन, जो आप सभी लोगों ने देखी ही होगी। वहीं अगर बात करें अमिताभ बच्चन की फिल्म गुलाबो सिताबो की, दोस्तों ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन के फैंस को उनकी फिल्मों को ओटीटी पर ही देखकर काम चलाना पड़ेगा, मतलब कि वो 90 mm वाला मजा नहीं ले पाएंगे। अमिताभ बच्चन की साल की दूसरी फिल्म गुलाबो सिताबो अगले महीने 12 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। फिल्म का ट्रेलर अमेजोन प्राइम पे रिलीज किया गया है। फिल्म के ट्रेलर की बात करें कि उसे देखने के बाद क्या क्या पता चलता है, तो बेसिकली फिल्म की कहानी बेस्ड है लखनऊ में, जहां अमिताभ बच्चन एक मुस्लिम का किरदार निभा रहे हैं जिनकी उम्र कभी भी खत्म हो सकती है। उनकी एक हवेली है जो बहुत पुरानी है, लगभग 200 साल। आयुष्मान, जो कि उनके किरायेदार हैं और आटा चक्की में काम करते हैं, आयुष्मान बहुत सालों से बच्चन जी के घर पर रह रहे हैं लेकिन किराया नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चन जी बहुत परेशान हैं, और आयुष्मान को परेशान करने के लिए और घर से बाहर निकालने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। कभी पैसे वसूलने के लिए उनके बल्ब बच्चन जी चोरी करके बेच देते हैं, तो कभी बाइक पार्किंग के पैसे मांगते हैं। जब लगता है कि इनसे बात नहीं बनेगी तो वो केस करते हैं, लेकिन बात वहां भी नहीं बनती।
कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं हम सभी के चहेते विजय राज, जो इंस्पेक्टर हैं और जांच पड़ताल के लिए आते हैं और कहते हैं बच्चन जी को कि तुम ये घर नहीं बेच सकते बिना मेरे परमिशन के। अब मरता हुआ बूढ़ा क्या करेगा? क्या आयुष्मान को अपना बेटा मानेगा या फिर कोर्ट कचहरी में पूरी जिंदगी निकाल देगा? इन सभी सवालों का जवाब देती है ये फिल्म गुलाबो सिताबो। दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर और स्टोरी बहुत ही मजेदार है, हंसा हंसा के और एंड में रुला के मानेगी आप लोगों को। दोस्तों, ये फिल्म रिलीज होगी अमेजोन प्राइम पे 12 जून को। दोस्तों, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों की फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं। यहाँ तक कि अभिषेक बच्चन के पास ज्यादा फिल्में हैं, यहाँ तक कि अभिषेक बच्चन के पास वेब सीरीज भी है। दोस्तों, लग रहा है कि फिल्मों और सीरीज का बढ़ना अभिषेक बच्चन के लिए एक विश पूरी होने जैसी वाकया हो गई है, क्योंकि उनको एक के बाद एक फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं, जैसे कि ब्रीड 2, लूडो, बिग बुल और भी बहुत सी। और बिग बुल तो सबसे ज्यादा लोगों में बज बनाया हुआ है। अब यहाँ नए प्लेटफॉर्म पे कौन बाजी मारता है ये देखना बाकी होगा। वैसे आपको क्या लगता है, अमिताभ बच्चन या फिर अभिषेक बच्चन? दोस्तों, पैंडेमिक डिजीज की वजह से अब फिल्में सिनेमा घरों की बजाय OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही हैं। OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि Amazon प्राइम, Netflix, ऑल्ट बालाजी, G5, MX प्लेयर, Hotstar, etc. बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये OTT है क्या, हम अपनी फिल्मों को इन प्लेटफॉर्म पर कैसे रिलीज कर सकते हैं। OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम बिना लाइन में लगे, बिना अपना किसी भी तरह का टाइम वेस्ट किए मूवी देख सकते हैं, बस आपके फोन में इंटरनेट होना चाहिए। दोस्तों, देखा जाए तो OTT प्लेटफॉर्म आपको ज्यादा फायदा देगा अकॉर्डिंग टू सिनेमा घर। कैसे? दोस्तों, हम PVR जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं अपना सारा टाइम निकाल कर। OTT प्लेटफॉर्म पे भी हमें खर्च करने हैं पैसे, लेकिन जहां हम PVR में सिर्फ एक मूवी के लिए 500 रुपए, 1000 रुपए देते हैं, यहां पर आप 1000 रुपए में हजारों फिल्में देख सकते हैं, वो भी अपने मन चाहे टाइम पे। बस यहां पर एक चीज आप लोगों को खलेगी, वो 90mm वाला पर्दा और हैवी बेस वाला म्यूजिक। दोस्तों, आप लोगों को क्या पसंद है, OTT या फिर PVR? और अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन में से कौन बाजी मारेगा? साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है फिल्म से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स हम लोग डेली पढ़ते हैं और अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की नेक्स्ट वीडियो में शामिल करते हैं, तो कमेंट करना ना भूले। और दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहें द फिल्म उल्लू और बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक यू सो मच।